हेडलेगंज स्थित रचित हॉस्पिटल के पास से 14 अगस्त 2017 में हुए लूट और गोरखनाथ क्षेत्र से एक मुनीम के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से लगभग 6 लाख रुपया नगद, एक पिस्टल, 2 कारतूस, 1 XUV, 4 पहिया वाहन, 1 मोटरसाइकिल सहित कई अन्य सामग्री बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में अविनाश, दीपक, प्रदीप, आदर्श, प्रभुनाथ, आनंद और राम कुमार शामिल हैं। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की एक टीम देवरिया बाईपास रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक XUV 4 पहिया वाहन को रोक कर उसमें बैठे युवकों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान वाहन में बैठे युवक संदिग्ध दिखे। जब युवकों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो युवकों ने रचित हॉस्पिटल के पास और गोरखनाथ क्षेत्र में हुए लूट में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर पहले से कई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। बताइए भैया, डाक साहब की ओटी में उनका सहायक रूप में काम करता है। शुरू करें सर। दिनांक 14 अगस्त 2017 को रचित अस्पताल के एक कलेक्शन कर्मचारी द्वारा पैसा जा रहा था बैंक में जमा करने के लिए, उसमें लगभग 7 लाख रुपए थे। उसकी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूट कर लिया 7 लाख रुपए का। उस घटना के अनावरण के लिए CO कैंट और CO क्राइम के मार्गदर्शन में स्वाट और कैंट थाने की टीमें काम कर रही थी। कल इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और लूट में शामिल कुल बदमाश और जो रकम बांटने वाले थे, मुखबिरी करने वाले, कुल 7 आदमी गिरफ्तार किए गए। इस घटनाक्रम का सफल खुलासा हुआ। इसी के साथ साथ जून महीने में गोरखनाथ थाना क्षेत्र में एक मुनीब से लूट हुई थी जो बैंक से पैसा निकाल के जा रहा था, उस घटना का भी सफल अनावरण हुआ है। तो लूट की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा कल किया गया है और 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। रचित अस्पताल के मुनीब जो मतलब पैसा जमा करने जा रहे थे बैंक में, उनके साथ जो लूट की घटना हुई थी उनसे 5,99,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं और 2 शातिर अभियुक्त जो मौके से लूट की घटना कारित किए थे, अविनाश तिवारी और दीपक मिश्रा, उनसे 1 पिस्टल और 1 तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। वो बैग भी बरामद कर लिया गया जिस बैग में पैसा जा रहा था। अस्पताल की बैंक की जमा पर्चियां हैं, उनके लिफाफे भी हैं। इस तरह से कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जिन लोगों ने मौके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, अविनाश तिवारी और दीपक मिश्रा, ये जनपद के काफ़ी कुख्यात लुटेरे हैं और शातिर और कुख्यात अपराधी चंदन सिंह के सहयोगी हैं। दीपक मिश्रा ने चंदन के साथ कई बड़ी बड़ी सनसनीखेज लूट की घटनाओं को जनपद में और जनपद के बाहर बाराबंकी और आसपास के जिलों में अंजाम दिया। दीपक मिश्रा के ऊपर लगभग लूट के 20 मुकदमे पंजीकृत थे। सर, थाना क्षेत्र में जो लूट हुई थी 9 तनवा का जो व्यापारी के मुनीब से हुई थी, क्या उसी घटना का अनावरण है? हाँ, उस घटना का अनावरण है। उस घटना से जो पैसा मिला था उसमें अविनाश तिवारी ने अपने नाम से एक मोटरसाइकिल बुलेट और इनके पास से एक XUV 4 पहिया गाड़ी भी है, उसकी किस्त सामने है, पूछ लीजिए उनसे। कौन कौन है? ओटी में काम करते थे उसमें, इनका नाम है आदर्श कुमार अनिल कुमार। आदर्श कुमार कौन है बताओ? बताओ, प्रभु एक प्रभुनाथ है और एक आनंद कुमार। 3 आदमी मुखबिरी के